पहली गल तो मैं बधाई देनी चाहूँगा फनास मिस्टर साहब नूं जिन्होंने इन्ना शानदार लोक पक्षी लोगों का अपना बनाया होया बजट पेश किया जिदे च कमी कढ़न वास्ते भी शायद अपोजिशन वाले नूं काफ़ी मत्था मारना पिया हो कि कोई तो देखो कुछ यार कुछ तो करी हो क्योंकि क्योंकि असी हैल्थ एजुकेशन नूं बारे गरंटियां दित्तियां सी असी हैल्थ एजुकेशन नूं उपर लेके जाना चाहते हैं असी बिजली की गरंटी दित्ती सी पैसे जितों मर्जी लेइए 300 यूनिट फ्री होणगे असी इन्ना वांगू ये कहा नहीं कर देंगे असी इन्ना वांगू ये नहीं कहा कि 36,000 कामे किते पक्के जो पता लग्या कहिंदे राजपाल कोल फैल पई है फिर लिखण दी की लोड़ सी ऐ लिख देंदे बसां दे पिछे कि 36,000 की फैल राजपाल नूं भेजी ना किते पक्के आ जू अगर खैर साहब आ जाओ चुप चुप करके सुन लो हूँ कृपा करके ना हम एक बार ना थोड़ा कर सुन दे हाथ पाओ गल गल पता करा लो आ पता करा लो ना करो सर सर तुम इदा कि बोल सकते हो जो तो मैं बोल रहा मैं मारियो खैरा साहब इस तरह नहीं इंटरप्ट नहीं आओगे जी सी एम साहब खैरा साहब इंटरप्ट नहीं करना किसे ने भी मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने इंटरप्ट नहीं करना असी लोकां लई वचनबद्ध आ कीदा राइट है जो कुछ भी चेयर दी जाए की दी ड्यूटी है रिकॉर्ड ना कीता जावे सब पता सानू कीदा राइट है कीदी ड्यूटी है सानू इत्थे राइट ना समझाउण कहिंदे पंजाबी नहीं आउंदी जेड़े बंदे एक गल नोट कर लियो अज स्पीकर साहब मैं सारे हाउस नूं समझाउण जेड़े अपने भाषण दे विच हर तीजी गल अंग्रेजी च बोलते ने जेड़े भी ने जेड़े भी ने जेड़े लोगों नहीं कहते लोगों लोग हिंदी का लफज है लोग पंजाबी का लफज है शायद अज तो बाद बदल जान लोगों ने कहा लोगों ने कहा पंजाबी की गल करते साढ़े ना पढ़ के सनावर च पढ़ के दूना च तो साढ़े सरकारियों नूं सानूं तुसीं पंजाबी सिखाओगे तुसीं खैरा साहब तुसीं बोलो दो टाइम जी मानयोग बाजवा साहब प्लीज तुसीं एल ओ पी हो सर कृपा करके इन्हां दे सैल कटो सीट ते बैठो तुसीं सर सीट ते बैठो खैरा साहब अपनी सीट ते जाओ प्लीज सारे मेंबर सभा को बेनती है अपनी अपनी सीट पे जान अपनी अपनी सीट पे जान ठीक है जी सर तुसी प्रधान हो इधर कृपा करके कृपा करके जी कहंदे फलाने नू तुसी राज्यसभा च भेजता उन्हें पंजाबी नहीं आउंदी मैनू ये दस दियो अंबिका सोनी के दसवीं चो पंजाबी किन्ने नंबर आए थी दिल्ली वालों नूं मक्क नूं लिया के हरियाणे वाड़ता हरा लिया हरियाणे वाले नूं राजस्थान लै गए यूपी वालों नूं छत्तीसगढ़ वालों बिहार वालों नूं महाराष्ट्र लै गए मनमोहन सिंह जी पहला आसाम तो रहे वो तो बाद अगली टर्न वास्ते एक वधिया मौका सी कि इत्थों पंजाब तो होंदे नहीं फिर वो राजस्थान च गए मतलब ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸਰ 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ सर अंबिका सोनी हारी हुई इंटरप्ट ना करो सर भूंदर साहब हारे हुए ढींसा साहब हारे हुए सरपंची हारे हुए भी नहीं लोग इतने पोलिंग एजेंट बन के सरपंची हार दे लोग इतने सो ना ना छेड़ो बोल लैन दो बोल लैन चलो चलो बाजवा साहब मेरी हथ बन के बेनती है मैं मानयोग मेंबर सभा नु बेनती करदा भी
ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਰ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ 5-star ਹੋਸਪਿਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਲਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰੋ। ਸੇਮ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਖਤਮ, ਆਓ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਓ। ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, AC ਵਾਲੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਡੂ ਬਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ, ਫੀਸ ਦਿਓ ਇੰਨੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਨਹੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਝੱਲਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ, ਹਾਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਸਾਈਏ? ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਹੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ, ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 14 'ਚ ਲੜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ।
लोग कहते ठीक है। मैं पर एक होर वादा कर दा, जे 19 च भी मैं हाथ बन के फोटो खिचाउणी पैगी ना, लख लाणत है फिर मेरी राजनीति ते। अगली बार 19 च फोटो ऐ सी सर, काम बोलते सी 5 साल च, सो एक मौका बहुत हुंदा है। उत्थे 5-5 वारी 7-7 वारी MLA बन गए, चेयरमैन पता नहीं की घर दे दो जी, घर हार तां गए पर घर किवें बचाईए, इहदा मैनूं खादी बोर्ड चला दो जी। कमाल है जी, जे तुसीं इन्ना इन्ना लुट के भी चंडीगढ़ च अजे तक घर नहीं बना सके, वह भी हजे सरकार देवे, ये तो फिर चैक करने वाली गल है सर, फिर करांगे चैक। इस तरह जिन्ना ने महल बनाने वह भी कहते एक फ्लैट तो दे दो जी, लै हाँ जिहड़ा डिजर्व करता है देवांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिहड़ा डिजर्व करता है संविधान मुताबक, असीं उन्हां नूं घर असीं बेघरे नहीं रखणे। हो लाइव की फैसिलिटी कहा सी सर, चल रहा ना लाइव, तुसीं अपनी वीडियो देख लैंदे हो ना, इस वक्त बहुत सारे चैनलों पर भी लाइव चल रहा होना। साडे जिहड़े MLA ने वह साडी सरकार से सवाल कर सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है, कर सकते हैं, उन्हां दा हक है। पहले तो सिफारिश लाउणी पैंदी सी भी यार थोड़ा जिहा कड़कड़ा दिओ यार, अज इहने की कहा सी, इहने की कहा सी, हुण सीधा जी पारदर्शी लोगों देखण दो, पंजाब दे लोगों उन्हां दे चुने हुए नुमाइंदे की बोलते हैं देखण दो। सो ये वड्डी चेंज है सर, क्योंकि असी रोड मैप दिता एक कि असी आ करांगे। बेहिम्मते हुंदे ने ओह जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते हुंदे ने ओह जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दे नावां दी जेड़े घरों बना के तुरदे ने नक्शा अपने सफरां दा। असीं नक्शा बना के तुरे होए आं, मंजिल ते पहुंचांगे जरूर। इदू पहला तो मंजिल ही है नहीं सी, कोई उधर फिरद कोई उधर फिरद, चार इधले धड़े ने, पांच इधले धड़े ने, उत्थे लड़ाइयां, इहनू बदलो आ ना बदलो आ कर लो। लोग कहिंदे असीं इस गल तो की लैणा यार, साडा काम तो कोई कर दो। सो इस करके असीं नक्शा बना के चले हुए हां, और मैं समझ सकदा दर्द मेरे अपोजिशन दे सत्कारयोग मैंबरां दा, मैं दर्द समझ सकदा। डॉक्टर उही वधिया हुंदा जिहड़ा नब्ज देख के दसदा भी आ टेस्ट कराने पैणगे। दर्द खासा डूंगा है इस बार, क्योंकि खासा लंबा चलूगा यह। पहले तो पता ही हुंदा सी अगली बार नहीं, अपनी बारी है, बह जाओ आराम नाल, 6 महीने पहले निकलांगे, अपनी बारी है। हुण वह वारियां टुट गईं सर, हुण इस वारी दे विच वड़न वास्ते बहुत बड़ी हिम्मत दिखानी पेगी, बहुत बड़ी ईमानदारी, बहुत बड़ी पारदर्शिता दिखानी पेगी। खूह दे वांगू मोहताज नहीं हुंदा, खूह दे वांगू मोहताज नहीं हुंदा लाउण वाले दा। चश्मा जिहड़ा धरती चीर के फुटिया हुंदा, क्योंकि खूह तो किसी ने लाया हुंदा, उन्हें बनाया हुंदा। खूह दे वांगू मोहताज नहीं हुंदा लाउण वाले दा, चश्मा जिहड़ा धरती भी हिक चीर के फुटिया हुंदा है। ओ मेला बहुत देखना औखा हो जाता है जिहड़ा बंदे ने कदे आप लुटिया हुंदा है। आ हालत है सर, हुण मेला देखना पै रहा, लुट्टी कोई होर जाता है, दुख बार बार आउंदा फिर दुख। सो इस करके सरकार कोले 92 MLAs का मैंडेट है, असी मैंडेट मुताबक काम करांगे। विरोध करने वास्ते जे विरोध करना करी जाओ, सानू उहदी कोई असी परवाह नहीं करते, असी लोगों के नाल। और सारे पॉइंट्स जिहड़े ने अमन जी ने साडे बुलारियां ने सारिया ने FM सामने सारे दसते ने कि किन्ना किन्ना, मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं जाऊँगा। हाँ मैं 2 शेर सुनाते, इत्थों मैनूं याद आ गया, इदू पहला 5 साल बजट घट हुंदा सी, मुशायरा ज्यादा हुंदा सी। सो साडे तां FM ने सिर्फ 1 शेर बोलिया आपदी सारी स्पीच 2 घंटे दी च। सो है जी
हाँ जी थोड़े भी तुहानू तो प्यार ही बड़ा मिले उधरों सो मैं ये कहना कि ठीक है शायरां दियां बहुत बड़ी-बड़ी गल्लां लिखियां होईयां ने साडे दरम्यान अज पंजाबी दे ऐसे गीतकार जिन्हां नूं तीन चार पीढ़ियां सुन सुन के वड्डियां होईयां बाबू सिंह मान मराड़ा वाले मौजूद ने राइटर भी ने और राजनीति नूं समझदे ने सो शायरां दा वड्डा योगदान है साडे पंजाब दी तरक्की च कलाकारां दा लेखकां दा बुद्धिजीवियां दा एनजीओ वालियां दा सो पंजाब नूं जे पंजाब बनाउणा तां सारियां नूं रल के दोबारा मुड़ के सिर जोड़ के बैठना पऊगा मैं तां जित्थों मैनूं सलाह मिलदी है मैं लै लैंदा मैं नहीं कहिंदा कि मैं हुण मुख्यमंत्री बण गया तां मैनूं हुण दस्सिओ ना पर मैं ही दस्सूंगा तुहानूं नो सिख्यार्थी बणो विद्यार्थी रहो की पता कि छोटा जिहा बच्चा एक कोई कम की गल दस जे सो मैं अपोजिशन दे जिन्ने भी लीडर साहबान बोले कमियां भी दसिया उन्होंने वधिया मित्र उही हुंदा जो कमी दसे पर जिहड़ा कल्ली कमियां दसे फिर वह मित्र नहीं हुंदा थोड़ा जिहा अप्रीशिएट भी करना चाहिए यार आह तां ठीक है पर इह आह ठीक सो असीं उह कल्ले कल्ले मैंबर दे ग्रीवेंसिस का जवाब भी दिता है और मालिया बधाउणा है करजा घटाउणा है देखो जे तुहाडा बेटा तुहाडे तों मोटरसाइकिल मंगदा जे तां तुसीं हैगे हो कपैसिटी च भी लाणेदार हो तुसीं कबीलदार हो तो हैगी है मोटरसाइकिल लैण दी कपैसिटी तां लै दिओगे उहदा शौक पूरा हो जूगा पर जे करजा लेके मोटरसाइकिल लेके दोगे समझ लो घर बर्बादी वल तोर लिया तुसी यही करते रहे ने पिछलियां सरकारां वाले करजा लैके आ आ आ असी करजा नहीं लैना असी इत्थों ही आपदे आपदे स्रोतां नूं ही ठीक करांगे 3400 करोड़ रुपया साडा एक्साइज चो आऊगा माइनिंग चो आऊगा होर लीकेज बंद होगी तो GST चो असी अज निर्मला सीतारमन जी उत्थे आए हुए सी मैं भी गया सी उत्थे सो बहुत सारा पैसा असी लियावांगे तो उही पैसा लोगों ते लावांगे इस करके ये गल पुछण दी आदत छड़ देनी चाहिए है हुण विरोधी पार्टियां नूं कि पैसा कित्थों लियाओगे पैसा कित्थों लियाओगे काफ़ी पैसा तो इन्हां चों ही आऊगा काफ़ी पैसा पिया इन्हां कोल आऊगा लगे हुए हैं कागज कढ़न लगे हुए हैं जदों असी कोई पता लगता है पहली गल तो यह असी किसी का ना नहीं लिया ले दो तीन एवें हाई कोर्ट जा बड़े कहते सानू फड़न तो पहला 7 दिन पहला दस्यो जी लै उन्हें सानू याद कराता अच्छा ये इन्हू फड़ो फिर यार की करता है की रहा है सो चोर के दिल च पाला हुंदा जी पहले ही जाके हाई कोर्ट नूं कह दिंदे ने हाई कोर्ट कहिंदी तैनू किने फड़िया किहड़ी FIR दस लिया दस सो इस करके वो गल सीगी कि एक घर दे विच चोरी हो गई तो उन्हें बोरी च भांडे पाए चोर ने ते कंध ते रख ले कंध टप्पण लग्या तो बोरी घर आले पासे डिग पी आप इधले पासे डिग पिया भज गया रौला पै गया सवेर नूं कट्ठ हो गया पंचायत का तो कोई कहिंदे किवें कीती हो चोरी किवें हुण जिहड़ा चोर सी उह वी उत्थे आ गया कट्ठ च वह कहिंदा मैं दसदा किवें कीती हो चोरी कहिंदा पहलां तां उहने बोरी बिछाई होऊ इत्थे उहदों बाद उहने भांडे पाए होने बिच पहलां थाल पाए होने फिर पतीले कक्का भांडे पा कहिंदा बोरी बन ली होनी अच्छा बोरी बन के कहिंदा उहने चक ली होनी मोढ़े ते अच्छा फिर उहने कंध ते धरती होनी अच्छा फिर कंध ते धर के जदों कहिंदा उहने परले पासे आप उतर के बोरी नूं खिंचने की कोशिश की बोरी इधर डिग पी मैं इधर रह गया उन्हें आप ही दसता मैं वो कहते आ जा फिर सो वो गल है कि मैनू फड़न गए हुणे ये आप ही दसी जांदे क्योंकि चोरियां इन्नी कीतियां होईयां ने खजाने ही इन्ना लुट्टिया होया कि संभालिया नहीं गया जिवें पहलां भी कहा गया कोई ब्यूरोक्रेट होवे
कोई पोलिटिकल रसूखदार बंदा हो सबका होजूदा होडा होधरों हो अज महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी है। अज के दिन मैं हाउस में कह रहा हाँ वोटा बहुत लिया गई महाराजा रणजीत सिंह वगैरह राज देवे तो महाराजा रणजीत सिंह का राज की सी महाराजा रणजीत सिंह जी भेस बदल के लोगों के घर जाके कन्न ला के सुनते गल् कि मेरी परजा कितने मेरी मेरी मेरे तो बाद दुखी तो नहीं कि गलों दुखी है मैं वह हल करदा वह भी रहे महाराजा रणजीत सिंह का राज देने वाले वह भी कन्ना कंधा को कन्न ला के सुनते रहे पर यह सुनते रहे किसी के घरें कोई चार रुपये पं रुपये रहे तो नहीं किसी के घरें नशा कनियो कोई समैक भेजन कनियो कोई घर बचता नहीं गया। अज महाराजा रणजीत सिंह जी बरसी है जिन्हों के राज बारे कहा जाता सी कि जे कुत्ते दे गल च कैंठा पा दोगे सोने का सवेर न उस कुत्ते दे गलों कैंठा मिलता सीगा सर आ राज सी उन्हां दा। सो असी अज महाराजा रणजीत सिंह की बरसी से यह हाउस पवित्र हाउस में मैं कहना चाहना कि असी उन्हां वर्गा नहीं राज दे सकते वह तो बहुत बड़े जरनैल से जी किड्डियां किड्डियां लड़ाइया उन्होंने लड़िया पर हाँ उन्होंने कदमों पर चलांगे चाहे साडा चाहे किन्ना जोड़ा मर्जी है जोड़ा जोड़ा भी रसूखदार है कोई फरमायश हो असी नहीं मननी कार्रवाई होगी इहदा मतलब ये नहीं हैगा इहदा मतलब ये नहीं हैगा किसी वड्डी सत्ताधारी पार्टी शामिल होकर तुसी बच जाओगे है ना उहदे नाल की संबंध है जी वह थोड़ा अपना निजी फैसला उधरों भी आउणगे इधर नूं जेलां वाले पासे नूं और वधिया गल कही बाजवा साहब बहुत सीनियर ने और पा दूर दृष्टि वाले बंदे ने कि इन्हां नूं पता है कि साडे आलां दा हाल की है इस करके कह रहे ने कि जेलां ठीक कर दो जेलां ठीक कर दो बस जाना साडे आलां नहीं उत्थे हाँ नहीं नहीं बहुत प्रॉपर मिलेगा तो रोटी रुटी का दाल दूल का सब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी पर घट्टो घट पंजाब के लोगों का एक एक पैसे का हिसाब लिया जाऊगा पंजाब के लोगों के लुटे हुए एक एक पैसे का हिसाब लिया जाऊगा ब्याज लिया जाऊगा तो जिहड़ी भी बेनामी प्रॉपर्टी पहाड़ों के पहाड़ खरीदी बैठे है सारी लोगों के सामने पेश करांगे चाहे फॉरैसट डिपार्टमेंट की है चाहे पंचायत डिपार्टमेंट की है जिहड़े मर्जी डिपार्टमेंट की है गरीबों तंग नहीं करांगे सर जिहड़े गरीब एस सी बी सी जिहड़े गरीब रहिंदे ने कई सालों तो असी आबादी जां आबादकारां नूं बिल्कुल तंग नहीं करांगे। कुछ मेरे कोल कल फोन भी आए बजट बारे कि जी महिलावां नूं जिहड़ा 1000 रुपये का वादा किया वह कदों पूरा कर मैं अज हाउस के विच दसना चाहुंदा कि मैं सोर्सिस इकट्ठे कर रहा डाटा बन गया सारा किन्ने पैसे ने ते जदों सोर्सिस साढ़े कंप्लीट हो गए सब तो अगली गरंटी जिहड़ी है चाहे वह 2 महीने हो जाए 4 महीने हो जाए सब तो अगली जिहड़ी स्टैप होगा साडा वह महिलावां नूं 1000 रुपये देने वाला होगा क्योंकि बाकी जिहड़ियां ई गवर्नमेंट वल असीं वधे आं लर्निंग लाइसेंस ई तो पोर्टल ते बन जाणगे आउण वाले दिनां च बहुत होर भी जिहड़ियां सुविधावां जमाबंदी दी होगी फर्दां हो गईआं वो ऑनलाइन हो गईआं जिहड़ी जिहड़े हाउस दे विच आपां बैठे आं अगले सैशन तो पहलां इत्थे वायरिंग चल रही है हुण तुहानू एक नवी विधानसभा देखने मिलेगी सामने स्क्रीन लगी होगी इत्थे टच स्क्रीन होगी सब कुछ उस अपडेटेड होगा कोई 2:30 बजे तुहाडे घर दी बैल मार के कोई सवाल ना दे जवाब जां सवाल नहीं देके जाऊगा इत्थे पिया होगा सारा कुछ जिवें प्लेन दे विच लगी हुंदी है ई विधानसभा आपां कर देनी है अपडेट और मॉडर्न क्योंकि दुनिया बदल गई असीं अजे उत्थे ही खड़े हाँ अमरीका वाले मंगल ग्रह से प्लाट कट्टन फिरते हैं सू सीवरेज तक ही रखे हुआ जे सो ये छप्पड़ सीवरेज सड़क टोबे ये
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹਾਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲਗਭਗ 24 ਮਾਰਚ ਸੀ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, 11-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ, ਤੋਤੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਆਹ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 10-12 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਰ। ਸੋ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ, ਗਟਾਰਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੇਘ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਛੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤ ਚੜਾਈ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ, ਕਲਮੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿੱਧੇ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਕੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਾਂ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਬਿਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਪਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
नहीं सुनया गया तो फिर वो लोगों ने नहीं उन्होंने सुनिया वो नहीं आए इत्थे ते बाकी मैं बहुत बहुत तुहाडा भी धन्यवाद करना तुसीं लंबा समा डिबेट करवाई और हर एक पक्ष नू हर एक पार्टी नू मौका दिता मैं BSP मैं अकाली दल मैं कांग्रेस आजाद उम्मीदवार ने BJP मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि तुसीं लोकतंत्र नू जे तुसीं ना हुण देखो फस्ट आने वाले सब तो वड्डा योगदान मैं कहना हुंदा अक्सर कि फस्ट आने वाले नू अहंकार नहीं करना चाहिए फस्ट आने वाले सब तो वड्डा योगदान सैकंड ते थर्ड वाले दा हुंदा जे वो ना हुंदे मुकाबले नहीं होना सी सो इस करके सैकंड ते थर्ड वाले दे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते पंजाब दे लोकां दा इस गल्लों धन्यवाद करदा कि सानू उन्होंने फस्ट किया।